दोस्तों, आपने मेरे इस चैनल पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जान लिए होंगे, पर आज हम इस वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में जानने वाले हैं। आपने अगर बाकी टॉपिक्स पर वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों, हाइड्रोजन क्या है? यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता, और यह गैस सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र है H। ब्रह्मांड के जो तारे हैं या हमारा सूर्य है, उसमें अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है, यानी तारों का जन्म हाइड्रोजन से ही होता है। ब्रह्मांड में 75% हाइड्रोजन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी केवोडिस ने की थी और हाइड्रोजन का नाम 1883 में पड़ा था। हाइड्रोजन की उपस्थिति पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में है, पर फिर भी हाइड्रोजन जल, पेड़ पौधे, लकड़ी, अनाज, तेल और पेट्रोलियम में पाया जाता है। हाइड्रोजन को प्राकृतिक रूप से सैनिटाइजर भी कहते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। अगर कहीं शरीर में जला, कटा या फिर घाव लगा हो तो हाइड्रोजन का उपयोग हम कर सकते हैं। वनस्पति के घी और तेल निकालने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग होता है। आजकल हाइड्रोजन को ईंधन में मिलाकर गाड़ियों के इंजन जलाया जाता है। हाइड्रोजन के गुब्बारे भी आपने जरूर सुने होंगे। गुब्बारों में भी हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि यह गैस बहुत हल्का होता है। बिजली विभाग भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का उपयोग करती है बिजली उत्पादन के लिए। हाइड्रोजन का उपयोग प्रदूषण को भी बहुत कम करता है। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन के उपयोग है, वैसे ही इस गैस के कहीं ना कहीं नुकसान भी है। जैसे हाइड्रोजन गैस बहुत महंगा है, जो हर किसी की बस की बात नहीं। हाइड्रोजन गैस में कोई गंध नहीं, इसलिए लीकेज होने पर यह विस्फोट जैसे काम हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है और ज्वलनशील होने के कारण बम बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, जो बहुत हानिकारक है। आई होप दोस्तों आपको हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।